बरसात ने ना सारे का जीना ना मुश्किल करी दिता था। हुण एक और बड़ी ताजी ताजी खबर आई है तुस लोगों से, घाटी पंचायत से पौंदा ग्रां चंग, उत्थे लगभग तुस लाई लो 15 परिवार उत्थे रहिंदे आ, 15 परिवारें दे उत्थे घर है। हुण क्यों आ करदा उज दरिया का पानी जिहड़ा उत्थे भी बधा करदा, हुण क्यों करदा वो जिहड़ा पानी है ना आस्ता 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 करिए ना उनके घर लागे पुजे करता। पहले तो मैं तुसें दस्सिया उनकी जिहड़ी जमीन है जिथे वो खेतीबाड़ी करते हैं, कई अद्धी कोलों मती जमीन तो रूढ़ी एरिए कटाव आई है। हूँ जिहड़ा ना जिवें तुसें कि सुनाया 15 परिवार होआ करते हैं तो दो परिवार के घर के लागे बिल्कुल ना कटाव होना शुरू हो गया तो पानी भी लागे पुजी गया तो वह घबराइए दे। तो उन्हें आख्या कि कल भी बरखा हुई तो ये हाले घर के लागे पुजे, के पता अज बरखा हो तो रात अस सुत दो तो अस रूढ़ी नहीं आचे तो रूढ़ी अगे तो फिर के बचना। तो उन्हें के किया उतों जोड़े सरपंच है घाटी प्रीतिपाल सिंह निकू, उन्हें उन्हें आख्या कि तुस आओ तो तुस पंचायत घर से चलो तो उत्थे तुस ना रोज आइए। तो उन्हें अपना समान लिता पलायन करना जिसके आते नहीं पलायन करना शुरू करी दिता तो पंचायत घर पुजी गए। पर गल यह है कि हले भी और परिवार के घर भी है उत्थे, वह बेशक दूर दूर है पर जियां अगे अगे बधा करता पानी जियां कटाव होआ करता तो कुते अस आखने कि कुछ नहीं होए अस तो सारे अगे यही दुआ करने पर के पता वह भी कुते रूढ़ी नहीं आन। तो साड़ी यही बस एक प्रशासन अगे भी गुहार है कि कुछ जल्दी जल्दी स्टैप चुको तो कन्नै जिहड़े बाकी परिवार है ना तुस लोग भी कोई शैल जगह आई जाओ ताकि तुस भी बची आओ। कन्नै उन्हें एक होर गल गलाई, उन्हें आखिया हर बार जिहड़ी सरकार ना गलांदी है अस बांध बनाए दा, बांध के बंदा बांध अज बंदा तो त्रै चार दिन बाद ना टुटी जाता। तो उन्हें आख्या तुस कोई नहीं काम करा करते सरकार छड़ा झूठा सानू जिहड़ा ना वादे करा करते, वोट लैन आई जांदे हो। तो हर बार घाटी के सरपंच प्रीतिपाल सिंह निक्कू ने आखे है कि हर बार तुस ये गलांदे हो कि इत्थे बांध बनागे पुल बनागे तो कुछ होर बनागे पर कदी नहीं होंदा, छड़ा जेल्लै वोट लैन आंदे ना उसलै होंदा, उहदे बाद बस इ'यां ही लोग परेशान होंदे बरसात आंदी। हुण तुस भी दिक्खो किन्नी मुश्किल नाल बेचारे ना जिहड़े पलायन करे करदे ते पंचायत घर च ना रोआ करदे। ते तुस भी एक बार परतिए ना दरिया दे किनारे जाना ते ना ही खड्डे दे किनारे जाना। हुण इस वीडियो की भी तुस मते कोलों मता ना शेयर करो। इस बारी फ्लड आया इन्हें काफ़ी सारा लोगों का जीवदार नुकसान कर दिया। पिछले बारी तो इतों कशा ले इतने एक बंद की पांच घमां टाकी जगह अस खड़ोते हैं तो पांच घमां टाकी एक बंद की इं रुड़ी जी समझी लो भाई पता नहीं लगता इं ताश होंगी खिलारा इं बंदा पत्ते आखा इं रुड़ी पांच घमां जगह इस बंद बेचारे जीवदार की
ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਰੁੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਤੋੜੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 20-25 ਘਮਾ ਰੁੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਨ ਵੱਜਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੰਨ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਚਦੇ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਈ ਬੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਚੱਕਰੇ ਪਏ ਦੇ ਬੰਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਧਾਨੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨੇ ਦੀ ਸਾਰਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਦਾ ਆ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈ ਬੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਧੋੜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਗਏ ਨਾ ਅਸਾਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਦੀਆਂ ਖੜੋਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਫਲੱਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੌਕਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਵਾਲਾ ਆਖਾ ਦੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਆ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਲਈਏ ਚੱਲਣੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਾ ਕੰਢਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਕੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੰਨਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਿਓ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇਖੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਸਰਪੰਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਖਾਲੀ ਦਿਖੀ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਠੀ ਝਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾ 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 ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਤੋੜੀ ਡੈਮਾਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕੋਈ 250 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ 250 ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੀ 10-10 ਘਮਾ 15-15 ਘਮਾ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੰਦੀ ਚੌਧਰੀ ਪਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ 25 ਘਮਾ ਟਾਕੀ ਸੀ ਖਤਮੀ ਹੋਈ ਜੀਰੋ ਜੀ 25 ਘਮਾ ਟਾਕੀ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਅੱਜ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋੜੀ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ 25 ਤਾਂ 25 ਘਮਾ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਜ ਅਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਖਿਆ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਨੀ ਆ ਕਾਖੀ ਅਸ ਆਖਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਅੰਨੇ ਅੱਗੇ ਗਾਇਦਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਨੱਚਦਾ ਉਹ ਸਾਫ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਆਖਣੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਜੀ ਬਈ ਜਾਓ ਕੈਸੀ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਕੈਸੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅੰਨੇ ਹੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੰਨੇ ਅੱਗੇ ਗਾਓ ਤੇ ਕੈਸੀ ਬੋਲਣਾ ਚੁੱਪ ਜੀ ਬੈਠੀ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਕਰੀ ਆ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਭਰੇ ਜਲੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕੰਨੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਵੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੂਣਾ ਜਾਂ ਦੂਣਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਨ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨੱਸੀ ਆ ਦਿੱਖੀ ਦੁੱਖੀ ਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਾਨ ਥੱਲੇ ਤੋੜੀ ਜਨਾਬ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੱਸੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸੀ ਆ ਆ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਆਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਜਾ ਚੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਉੱਥੋਂ 10-5-7 ਗਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਇਆ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਰੁੜੀ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰੀ ਆ ਅਸ ਆਖਣੇ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵੀ ਆਖਣ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁੜੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਰੁੜਿਆ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਈ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁੜੋ ਆਹਾਕਾਰ ਮਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਬੋਰੂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ JCB ਲਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਫਲੱਡਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਥੋਆ ਦਿਆ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਰਹੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਟੋ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਆਇਓ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸੀ ਕੱਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ LG ਸਾਹਿਬ ਕੀ DC ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਅਸ ਆਖਣੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਚਾਓ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਬੰਨਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਗੁਜਰਾਂ ਡੇਰਾ ਨਾਲੇ ਕੰਨੇ ਥੱਲੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ 5-7 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ LG ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਡਿਪਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਗਾਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਲਾਉਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਬੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨਿਆ ਬੱਚਿਆ ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੂੜੀ ਆ ਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਬੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਚੀ ਜਾਣ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮਦੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੇਸ਼ਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦਰਮਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਦਾ ਜੀ
गौरमेंट अगर अपील करना चाहना, डीसी अगर अपील करना चाहना, एल जी साहब अगर अपील करना चाहना, दिपकाम अगर भी अपील करना चाहते हैं, जे थला दौरा लान तो गट भी दौरा जरूर लान, गट ही लोगों की समस्या भी जरूर दिखा गौरमेंट। इन्ना यह शुक्रिया अदा करना चाहना सारे लोगों का, सारे मीडिया के माध्यम कन्ने लोग अगे धोड़ी आवाज पजाने वास्ते मीडिया साहब मीडिया के माध्यम कन्ने मीडिया आले जिहड़े आए दे उनका भी तहे दिल कन्ने शुक्रिया अदा करना चाहना। जय हिंद जय भारत। जगह दरिया चला वा पहले बारी छड़ी उछलाई ही, अज जरा दरिया चला वा ये परमानेंट दरिया, जी जमीन जिसे धान लगे इरीगेटर जमीन है, सारी इरीगेटर जमीन है, ये सारी जमीन की जमींदारे जिन्हें धान लाए दा बेचारा इसलिए हैल बी सारा कुछ सुट्टे दा बेचारा, सारा ही धान मलिया मेट हो गया। उपरा दरिया आई सामने वो दिखो सारे, मैं मीडिया ने आखना चाहना सामने वो दरिया भावा, यह सारी जमीन ही जी रुड़ती आवा रही है अज की डेट जी रुड़ती जा रही है। ये पिछले बारी भी जनाब आए थे मौका किया, पिछले बारी छड़ा पानी फ्लड निकलिया हाँ, तो अज जरा दरिया है वह अपनी जगह परमानेंट इतना ही बनाई बैठा है, बन नहीं होने की वजह कन्नै उपर कम नहीं लगने की वजह कन्नै जी अज हालात ये बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से जो घर न जोड़े तुम दिखा सामने घर ने यह सामने टक्कर है, अज नहीं तो कल रात दरिया बारिश बड़ी, तो मेरे हिसाब से पानी लोगों के अंदर आई बड़े हाँ, अज भी पानी अंदर आई बड़े हाँ, ये जरा पदरा लुभा धान लुभा ये बराबर हा पानी चला, हूँ पानी घटिया जिद कन्नै धान थोड़ा थोड़ा लगे लुभन, अदरवाइज धान धान भी नहीं लुभा, पूरी फसल डुबोई दी उत्थों लेइए सामने ही पानी चला। मैं ये गल जरूर आखना चाहना ये मौके का जनाब मीडिया वाले दिखी लैन ये खबर जी है। मैं तो चाहना भाई नैशनल चैनल बखर पर चलनी चाहिए जिदे कन्नै दिल्ली गौरमेंट धोड़ी पता लगे भाई गाटी जोड़ा झंग पिया अज की डेट से दरिया उड़ा नहीं आया, ये डैम भी भरया रही गई है, मैं समझना अज जी डैम है वो बाहर दरिया पानी भरा वा, डैम अज नहीं तो कल खाली हो जानी है, जी गौरमेंट ने डैम बनाई दी है जी थले डैम बजी दी है। मैं ये गल जरूर आखना चाहना ये अज नहीं तो कल अज तुम कल जो हालात देखिए डैम एक बखी होनी है तो दरिया एक बखी होना, मैं जरूर आखगा इन्नी
जी मेरा नाम है शालजी सरोटिया, मैं इतने गाटी रहनी हूँ। तो गाटी साढ़े इतने पैरों में घर है। अज साढ़े दरिया परसों पहले भी आए हैं, मीडिया वाले पहले भी इन्हें किया हा कन्फर्म। तो अज फीसे ये साढ़े दरिया दिखो साढ़े बिल्कुल घर लगे आई है पूरा, मतलब कि पिछले पहले दो त्रै क्रेट आए हे जिन्हें सू थोड़ा इनकी बचाव हा। अज वो भी आई गए वो भी रुड़ी गए हैं। तो पानी अज साढ़े घरों के बिच अंदर आई गया है। हूँ अं सारा समान चुकी अपने बाल बच्चे चुकी है तो असं हूँ जाने हैं। सर सरपंच साहब को गए हे कि सानू दिखो असं रुड़ने हैं तो सानू पहले रखने वास्ते जगह दिओ। सरपंच साहब ने सिर्फ इयो आख्या मैं तुम्हें गुजा कुछ है मेरे घर आइए रह सकते हो। तो हूँ अं ट्रालियां भर ली ने अपने सारे अं घर खाली खुली करिए हूँ अं चली पे हैं। तो दिख लो पानी बिल्कुल साढ़े घर के कन्ने आई गया है। अस इन्नी रिक्वेस्ट की पर साढ़े इतने कोई दिखने आया, आए डी सी आया वो बी डी सी मैंबर आए, लेकिन सारे ने इो बोलिया कि इतने साढ़े महकमे को कुछ नहीं है, रहा अं कुछ नहीं कर सकते। तो यदा हूँ इसलिए तो साढ़े इतने कोई महकमे का और कोई नहीं पुजता है अलग एम पी वगैरह कुछ कोई नहीं इतना आए है। कम से कम आइए इतने दिखना चाहता है फिर लोग घर छड़िए जा घर छे तो नौबत आई गई है। तो कम से कम जाइए अं दिखचे सही साढ़े को अल इसलिए कोई नहीं पुजता है। तो आने फायदा भी हूँ अं सारे बार बच्चे चुकी अं अपने जाने कि सरपंच ने भी सू कि दिन रखने हैं, उन्हें भी दो चार दिन फिर किधर जाने हैं। कम से कम मीडिया कम से उन्हें आना चाहिए, एम पी आना चाहिए, उन्हें दिखना चाहिए है भी ये मतलब कि क्यों होता के नहीं होता। फसल वगैरह फसल वगैरह साड़ी सारी रुड़ी गई है, फसल तो सारा कुछ ना नशान है। ये सामने देखो खेत पूरे पानी पानी है, पहला फ्लड आया उसे भी सारा काफ़ी नुकसान हो जो थोड़ा मता रहा अब वो पूरा रुड़ी आया है। कम से कम सारा पानी तो हूँ साढ़े घर ही आई जाए अंदर घर के अंदर बढ़ी आए हैं। ये सू दरिया का इन्ना खतरा है, दिन तो अं अगे पिछे होइए गए राती साढ़ी जो पानी आई गया तो अं कुछ जाना, इस वजह से पहले ही मतलब कि अपने घर छड़िए चलाने हैं। बस कुलदेव सिंह केड़ा पिंड है? ये पिंड मनासा महला पौंदा गाटी कोला थल्ले 6 नंबर वार्ड। आज तू समान ले कुधर जा रहे, क्या जा रहे? क्योंकि पानी दा घर च आई गया दरिया तो सब 20 साल हो गया सिर रड़ांदे कि महाराज साढ़े घर रुड़ने खतरा है, बन बनो बन बनो, कुने नहीं अज तक साड़ी सुनी। रोड ब्लाक भी किते, कठुआ भी गए, दफ्तरें भी फिरे, सारे फिरे, कुने साड़ी सुनाई नहीं की। अज इन्ना होइए दी हालत खराब कि दरिया बिल्कुल घरें च आई गेदा, उपरे दा बन छन खत्म होए दे कुछ नहीं आया। ते हून राती पानी आई गया तो साढ़ा बाल बच्चा पूरा रुड़िया, 8-9 घर न साढ़े इत्थे, 9 दे 9 ही खतरे च ने। तो सरपंच साहब अग्गे गए सवेरे सानू जगह दियो कुतै जिथे असीं अपना समान बाल बच्चा रखचै, राती दिने तो अस नसी जागे, राती पानी इन्ना आरदा ते राती कुत्थे जाना असीं। थोड़ा दरिया पिछे हा, हून अजे दा दरिया बिल्कुल घरें दे बिच आई गेदा, साड़ी कोई सुनाई नहीं, कुने सरकार ने नहीं सुनी। सब आंदे ने अपना टाइम कढ़दे, बोर्ड लैंदे, हाँ जी अज बनाने कल बनाने, कुने नहीं बनाया तक कुछ भी। तो हूँ अस मजबूर हाँ, तो हूँ तो असं घर जाने पे। मैं तो यार ना कल अज कल दुए भी घर जड़े ने सारे चली जाने, जिथे जिथे कुत जगह मिलगी उत्थे रहोगे। ये हालत है, कुने साड़ी सुनाई नहीं अज तक की, कई सरकार आई तो कई कुछ होया तो कुने नहीं सुने। ये चीज़ है कि दिखी लो साहब बिल्कुल दरिया उपर आई गए, इे रिक्वेस्ट है साड़ी के हूँ अपना घर चुकी जाने पे।